फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं पीछे 5 बज चुके हैं। तो शाम के 5 बजे से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और पीछे आप जो ये वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, सो मैंने आज धोए थे बहुत सारे कपड़े, तो इसलिए मैंने उसे वॉश करके रख दिया था, मशीन को अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस अभी मैं उस पर कवर लगा के रख दूँगी। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे कपड़े धोने हैं, लेकिन मौसम का कुछ पता नहीं रहता है, कभी धूप निकलती है कहीं नहीं निकलती है, लेकिन आज अच्छी धूप निकली हुई थी तो चलो मैंने सोचा कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, गर्म कपड़े और काफ़ी कपड़े निकलते हैं सर्दियों में। तो आज आखिरकार मैंने कपड़े धो ही लिए और मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की थी मेरे साथ। वो अगर ज़्यादा कपड़े वगैरह होते हैं तो हमेशा वो मेरी हेल्प करते हैं साथ में, तो उन्होंने हेल्प की थी और उसके बाद वो बस चले गए ऑफिस। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था सिंपल ब्रेड और चाय, और बस ये था हमारा ब्रेकफास्ट। और मैंने लंच में लिया है, लंच भी मेरा हो ही चुका था, तो लंच में आज मैंने लिया था आलू मटर, जो ग्रीन वाले आलू मटर होते हैं वो बनाए थे, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज आपको नहीं दिखाया। तो बस अभी जो कपड़े हैं उन्हें मुझे तय लगाना है और मुझे सोफ़ा कवर भी लगाना है, और बस तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये हैं वो सारे कपड़े जो कि आज मैंने धोए थे, तो सारे अच्छे से सूख चुके हैं, बस तो अभी मुझे इन्हें तय लगा के रखना है। चलिए पहले मैं आप ये सब काम कर लेती हूँ। और हाँ, मुझे आपके साथ शेयर करनी है अपनी शॉपिंग जो कि मैंने मेले से की है। मैं कल गई थी फिर से मेले और वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसे शेयर करूँगी। तो पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ अपने, उसके बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी। अभी मैं आ गई हूँ बालकनी वाले रूम में सोफ़े पे कवर बिछाने के लिए। सो ये है वो कवर, ये सिंपल वाले कवर मैंने निकाले हैं, तो इन्हें मैं बिछाऊंगी। इससे पहले वाले जो थे उन्हें मैंने आज वॉश कर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ ये सिंपल वाला कवर बिछा देती हूँ आज। और यहाँ से जो इतना उजेला आ रहा है, ये बालकनी का गेट है हमारा, इसलिए इतना वहाँ से उजेला आ रहा है, ओपन है गेट। और दिन में मैं उसे ओपन ही रखती हूँ, और शाम होती है तो उसके बाद मैं उसे बंद कर देती हूँ, लेकिन दिन में मैं ओपन रखती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा उजेला उजेला रहता है घर में। तो चलिए पहले अभी मैं ये कवर बिछा लेती हूँ। बिछा दिया है सोफ़ा कवर और अब मुझे करने हैं कपड़े तय। और पीछे आप ये घड़ी देख रहे हैं, ये अभी बंद है इसलिए मत देखिए, वो टाइम गलत बता रही है क्योंकि अभी वो बंद है। तो अब उससे पहले मैं बालकनी में मेरे कुछ कपड़े डले हुए हैं, तो मुझे वो कपड़े उठाने हैं। तो ये है मेरी बालकनी और ये यहाँ पर कुछ कपड़े डले हैं जो रह गए थे, जो अभी सूखे नहीं थे, तो वो वाले कपड़े हैं, तो इन कपड़ों को मुझे अभी उठाना है। और वैसे भी शाम का टाइम हो चुका है, तो बस इन कपड़ों को मैं उठा लूँगी क्योंकि धूप जो है जाने वाली है। और है पीछे अभी धूप, लेकिन बालकनी में तो मेरे वैसे भी कभी धूप नहीं आती है, लेकिन हवा चल रही है सो इसलिए कपड़े सूख चुके हैं। ये हमारे यहाँ गार्डन है और ये एक और गार्डन है हमारे यहाँ, तो ये हमारे यहाँ का व्यू। तो अभी मैं फटाफट से उठा लेती हूँ ये कपड़े, हमारे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, शाम का टाइम हो जाता है तो बच्चे खेलते हैं। और बस मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को भी मैं उठा लेती हूँ और उसके बाद इनको भी रख दूँगी, क्योंकि शाम तो हो ही चुकी है, और बस बालकनी के गेट को फिर मैं बंद कर दूँगी। तो आज तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, सो चलो मैंने सोचा कि आज मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धो ही लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी और धूप का कोई भरोसा नहीं है। अभी ठंडक है, मौसम काफ़ी ठंडा है, सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंडक है अभी, और दिन में धूप निकल आती है तो इतनी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा चलो धूप का कोई भरोसा नहीं है, आज निकली कल नहीं निकली, तो इसलिए मैंने आज जो है कपड़े वॉश कर लिए और मेरे सारे कपड़े सूख भी चुके हैं।
वैसे भी ड्रायर में सुखाते हैं तो सूख ही जाते हैं, लेकिन धूप लगना तो ज़रूरी होता है कपड़ों में, तो इसलिए बस सारे कपड़े सूख गए हैं। और बस अब चलिए मैंने ये कपड़े भी उठा लिए हैं अपने, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और इनको रख देते हैं इनकी जगह पर। फ्रेंड्स मैंने सारे कपड़े वगैरह तय करके रख दिए हैं और अब मैं बैठ रही हूँ आराम से। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी, सो वही सब मैं लेके बैठ गई हूँ आपको दिखाने के लिए। कल था मंडे तो कल हम लोग गए थे मेले, तो मेले जब हमारे यहाँ भरता है ना तो मैं काफ़ी बार मेले जाती हूँ, और ग्वालियर का मेला तो काफ़ी बड़े लेवल पर भरता है, एक बार में तो आप कभी पूरा मेला घूम ही नहीं पाएंगे। और जब हमारे यहाँ मेला भरता है तो मैं काफ़ी बार मेले जाती हूँ, सो मेरे हस्बैंड भी मुझे मना नहीं करते हैं, जब भी मैं बोलती हूँ कि मेले ले चलो तो वो ले जाते हैं मुझे, और जो भी मुझे अच्छा लगता है सुबह मैं ले आती हूँ। तो बस कल भी मैं गई हुई थी मेले और जो जो मुझे अच्छा लगा तो वो मैंने लिया। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग आती हूँ। मैंने बहुत सारे कप लिए हैं इस बार, बहुत सारे मीन्स मैंने 3-4 सेट तो ले लिए। तो चलिए पहले मैं वही दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से कप लिए हैं। तो सबसे पहले ये वाले कप दिखाती हूँ मैं आपको, ये लिए हैं और ये अंदर से ग्रीन है इस तरह से, और इस तरह से इनका डिजाइन है। तो ये कैसे हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये वाले कप मैंने लिए हैं और मुझे ये काफ़ी ठीक रेट में मिल गए, ये मिले हैं मुझे 80 के 6 पीस, तो ये 80 रुपये के 6 कप मैंने लिए हैं। और मैंने लिए हैं 3 तरह के, और मैं लाई हूँ ये ब्लू कलर के, ये मेरी टी शर्ट से मैच हो रहे हैं। सो ये मैंने लिए हैं, ये मैंने ऐसे नहीं लिए हैं, तो मैंने 3 कलर के ये कप लिए हैं, दो दो, तो दो तो मैंने ये लिए हैं ब्लू कलर के, और दो मैं लेके आई हूँ ये ब्लैक कलर के, ये दो ब्लैक कलर के लिए हैं। इनका थोड़ा सा डिजाइन भी अलग है आप देख सकते हैं, तो ये दो ब्लैक कलर के लिए हैं, और दो कप मैंने लिए हैं येल्लो कलर के, तो ये दो ब्लैक दो येल्लो कलर के लिए हैं। तो 6 पीस ऐसे लिए हैं मैंने, दो दो कलर चेंज करके 3 कलर के मैंने ये 6 कप लिए हैं। सो ये भी मुझे सेम रेट में 80 रुपए में 6 पीस मिले हैं, और मैं लाई हूँ इस तरह के कप। ये कप कैसे हैं, ये कप तो मुझे काफ़ी पसंद आए और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद आए, तो ये कप लिए हैं, और ये अंदर से इस तरह से हैं। ये काफ़ी अच्छे कप हैं, काफ़ी सुंदर कप हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्यारे हैं, इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो ये लिए हैं। इसमें भी सारे कलर अवेलेबल थे लेकिन हमने ये वाला कलर लिया है, और इसकी जो प्राइस है वो है 120, तो 120 में 6 पीस ये हमने लिए हैं। और मैं लाई हूँ ये दो बड़े वाले मग, तो ये मैंने अलग अलग डिजाइन के ले लिए हैं, ये अलग डिजाइन है, ये अलग डिजाइन है, और इनकी जो प्राइस थी वो थी 30-30, लेकिन 50 रुपीज़ में उन्होंने मुझे दो दे दिए हैं, सो 25 का एक पड़ा, तो ये दो मग लिए हैं। और मैंने लिए हैं ये, इनको बोलते हैं कुल्लड़, हम तो इनको कुल्लड़ बोलते हैं, सो ये आते हैं, तो ये लिए हैं इस तरह से हैं, तो ये लिए हैं मैंने, और ये इस तरह से हैं,
इसकी जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। तो 100 के 6 पीस ये लिए हैं। तो मैंने बहुत सारे कप ले लिए हैं इस बार मेले से, ये काफ़ी टाइम तक चल जाएंगे मेरे। मैंने आपको अपनी लास्ट जो मेले की शॉपिंग दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं मेले से कपड़े वगैरह नहीं लेती हूँ और मुझे कपड़े लेना पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं आते हैं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं है कि लोग कपड़े नहीं खरीदते, बहुत कपड़े खरीदते हैं मेले से, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है कि मेले के जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं निकलते, इसलिए मैं कभी मेलों से कपड़े नहीं लेती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो है कश्मीर वाले शॉप लगाते हैं शॉल और स्टॉल की, वो कश्मीरी शॉल और कश्मीरी स्टॉल लेके आते हैं। तो इस बार मैं जो कल है उनकी शॉप पर गई थी, मेरा मन नहीं था लेने का, लेकिन मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कि कैसे हैं। तो उनके जो शॉल और स्टॉल है मुझे काफ़ी पसंद आए, तो इस बार मैंने ले लिए हैं आखिर। तो मैंने वहाँ से लिया है एक शॉल और एक स्टॉल, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ले लिया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्टॉल। सो ये है मेरा स्टॉल और ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है, ये इस तरह से, ये डार्क ब्लू कलर है, ये इस तरह से है। और इसमें ये छोटे छोटे से आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं स्टोन टाइप से। तो ये है, ये पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड की पसंद है, उन्होंने जैसे ही देखा तो उन्होंने बोला नहीं ये अच्छा है, ये तो ले ही लो। तो ये स्टॉल है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, सो इस तरह से है ये। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये, मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगा सो मैंने ले लिया। और ये गरम है और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसीलिए मैंने लिए हैं, मुझे जो है इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ले लिया। और एक मैंने लिया है वहाँ से शॉल, ये है वो शॉल, ये ब्लैक कलर का है और ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है। तो ये रेड नीचे दिया हुआ है और ये ब्लैक कलर का है। तो ये इस तरह से है, ये इस तरह से इसका डिज़ाइन दिया हुआ है और ये नीचे से इस तरह से है। तो ये शॉल लिया है और एक स्टॉल लिया है, ये हम दोनों की पसंद का है और वो पर्सनली उन्हीं की पसंद का है, उन्होंने पसंद किया था। एक ये शॉल और एक ये स्टॉल लिया है, आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और मैंने ली है ये छलनी, ये दूध पर रखने के लिए मैंने ली है, मेरे पास है लेकिन मैंने दो ले ली हैं एक्स्ट्रा में रखने के लिए। और मैंने ली है एक ये बास्केट, सो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें सारे कलर थे लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगा, तो फ्रूट वगैरह रखने के लिए मैंने इसे लिया है। तो इसकी जो प्राइस है ओनली 10 रुपीज़ है, ओनली 10 रुपीज़ की है ये। और ये जो मैंने ली है ये 15 रुपीज़ की है। एक मैंने लिया है ये बोतल, ये सॉस रखने के लिए बोतल ली है, तो ये 15 रुपीज़ की है। एक मैंने लिया है ये इस तरह से स्टैंड, देखती हूँ कि इसमें मैं क्या रखती हूँ, मुझे अच्छा लगा तो बस ले लिया मैंने। और इसकी जो प्राइस है वो भी 15 रुपीज़ है। और मैं लाई हूँ एक ये स्पून, इसकी प्राइस है 30 रुपीज़। और वहाँ से मेरे हस्बैंड ने ये लिए हैं, शादी वगैरह में जाते हैं ना तो उसके लिए ये लिफाफे लिए हैं, शादी फंक्शन किसी में भी जाते हैं बर्थडे वगैरह में तो ये लिए हैं लिफाफे देने के लिए। ये 15 रुपीज़ का पैक है और इसमें 12 पीस है। और मैं लाई हूँ ये फ्लावर पॉट, ये मुझे बहुत पसंद आए, आप बताइएगा कि कैसे हैं। मुझे ये बहुत पसंद आए, ये नीचे से इस तरह से हैं और ये जॉइंट है, तो ये काफ़ी अच्छे लगे ये वाले फ्लावर पॉट मुझे, तो मैंने दो ले लिए। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 30 रुपीज़ के ये हैं, तो दो ये लिए हैं। और मैंने लिए हैं अपने लिए ये क्लेचर छोटे वाले, ये 5-5 रुपए के हैं। और एक ये लिया है, ये भी 5 रुपए का है, तो ये तीनों मैंने लिए हैं। और बस कुछ खाने की चीज़ें लेके आई हूँ, खाने मीन्स ये लाई हूँ मैं पापड़ मेले के, मैंने आपको इनको फ्राई करके भी दिखाया है अपनी वीडियो में। तो ये जो है ये इनको जब हम फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो ये वाले पापड़ लिए हैं मैंने और ये काफ़ी अच्छे पापड़ हैं। अगर आप लोग ग्वालियर मेले आए तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर लेकर जाएं और टेस्ट करके देखें, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, ये लिए हैं। और इनके साथ एक मसाला आता है जिससे इनका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, सो एक ये मसाले का पैक लिया है, ये 10 रुपीज़ का है, ये साथ में नहीं देते हैं वो लोग अलग से देते हैं। तो एक ये मसाले का पैकेट लिया था। और मैंने लिए हैं ये फ्राई करने वाले, तो ये 1 kg हैं ये वाले हैं ये,
तो ये लिए हैं 1 kg और मेरे हस्बैंड ने लिए हैं सॉक्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि उन्होंने सॉक्स लिए थे और इस बार भी उन्होंने सॉक्स लिए हैं। मेले में सही रेट में मिल जाते हैं सो इसलिए ले लिए उन्होंने। तो ये हैं 3 pair, ये अलग अलग तरह के हैं ये। तो ये 3 pair उन्होंने लिए हैं और इसकी प्राइस है 50 रुपये। तो 50 रुपये में 3 जोड़े मिल जाते हैं, मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने 3 pair और ले लिए हैं और 3 pair इससे पहले लेके आए थे, तो बस उनका काम चलता रहेगा। तो मैंने आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखा दी है और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़कर। तो इसी तरह से आप कमेंट करते रहा करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी मोटिवेशन लगता मिलता है और पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट का काफ़ी वेट करती हूँ, मुझे काफ़ी इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, 6:30 बज चुके हैं और अभी मैं जाऊँगी किचन में इवनिंग की चाय बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो अभी नहीं है घर पर, तो सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाऊँगी और वो थोड़ा लेट आएँगे आज, तो इसलिए सिर्फ मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो चलिए अभी मैं किचन में चलती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। सो मैं आ चुकी हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं चाय। चाय को बनने के लिए रख दिया है और चाय अच्छे से हो रही है मेरी कॉइल। तो अभी मैं इसमें आम डाल देती हूँ दूध। सो मैंने चाय को बनने के लिए रख दिया है और अभी मैंने इसमें दूध भी ऐड कर दिया है। सो अभी ये बॉयल हो रही है, जब ये थोड़ा अच्छे से बॉयल हो जाएगी उसके बाद मेरी चाय रेडी हो जाएगी बनकर। सो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो कि मुझसे बोलते हैं कि आप डेली अपना ब्लॉग बनाइए और अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए। सो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। वैसे मैं अभी ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना डेली रूटीन आपको दिखा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो बस इसी तरह से आप लोग ये अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं उसे पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, तो अभी मैं चाय को छान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरी गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार, तो अभी मैं इसे करूँगी इन्जॉय। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा और आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड और अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।